इसका क्या मतलब बनी है? Is quite uncertain. कुछ भी हो सकता है, sentence के शुरू में लगा सकते हैं is quite uncertain. What will happen next is quite uncertain. How to drive a car? How to make cookies? How to make cookies? जब how लगा देते हैं आपको नहीं लगता कि ये adverb हो जाता है? मैम उन्होंने कहा है कि हाउ व्हाटएवर ये लगाने से वो नाउन से स्टार्ट हो जाती है रूल के मुताबिक। अच्छा फिर इसमें और फिर एडवर्ब में क्या फर्क हुआ? चलिए अच्छा अभी मैं आप लोगों को इस पे नहीं कंफ्यूज करती, अभी हम एडवर्ब फेज पढ़ लेते हैं। तो एडवर्ब जो होता है मैम ये जो नाउन होता है ये तो मैम इंडिपेंडेंट होता है तो इसलिए वो हाउ टू ड्राइव अ कार ये तो एक इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो लेकिन जो एडवर्ब होता है वो इंडिपेंडेंट कोई भी जो है ना क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है टिल के उसके साथ जो है वो प्रपोजिशन नाम देखें कि वो कौन सी आ रही है। नाउन क्लॉज हो गई, आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ये सारी क्लॉजेज जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ जो उनसे एक पूरी वो फ्रेज बनानी है, क्लॉज बनानी, इस एक लफ्ज की जगह आपने एक क्लॉज लगानी, लीव की जगह लीव को कैसे एक क्लॉज बना सकते हैं? डू नॉट बिलीव, ये बिलीव की जगह एक क्लॉज लगाएं। ऐसी क्लॉज के जिसका मीनिंग और बिलीव का मीनिंग एक जैसा हो। कोई ऐसा लफ्ज ऐसी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब दो आप इसी एक सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में लेके जा सकते हैं। No one believed him, but he was saying. No one believed him. एक sentence, but he was saying. दो sentences. इसी तरह अगले sentence से दो sentences बनाएं. His arrival was quite unexpected. When he entered the room. When he entered the room, no one was expecting him. ठीक है, यानी एक सेंटेंस से हम उसी वही मीनिंग दे रहे हैं और उसको दो सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस को करें। हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है। अच्छा चलें, पहला सेंटेंस है आई डू नॉट बिलीव, इसमें देखें वर्ब कौन सा है, एक वर्ब है कि दो वर्ब है इस सेंटेंस में पहले में। इस सेंटेंस में एक वर्ब है या दो वर्ब है? मैम दो वर्ब है। कौन कौन से? ये गिवन आपको वर्ब लग रहा है? मैम मुझे लग रहा है बाकी क्लास बताए। I do not believe है, ठीक है, हमने इस एक वर्ब को दो में कन्वर्ट करना था, तो अब गिवन को अगर आप बनाना चाहते हैं वर्ब तो फिर देखें इसको हम कैसे बनाते हैं। गिवन भी मैम वर्ब होना चाहिए।
ये इनडायरेक्ट हो गया ना, तो वर्ब तो नहीं है यहाँ, तो ये मेन वर्ब नहीं है ना सेंटेंस का। सेंटेंस का मेन वर्ब तो आई डू नॉट है। चलिए अगर आप इसको मेन वर्ब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं जी। एक आपका मेन वर्ब बिलीव हो गया और एक आपका मेन वर्ब गिवन है, अब गिव है या गिवन है जो भी आप इसको बनाएं। अब इसको बनाएं दो सेंटेंसेस में लेके जाएं। बनाया तो था हमने अभी, अभी बनाया नहीं था। Believed. आगे भूल गए। No one believe him. But see. अब आपका एक वर्ब ये हो गया, दूसरा वर्ब आपका ये हो गया, और ये दोनों वर्ब्स मिलके जो मीनिंग दे रहे हैं ना वो वही है जो ये पहला सेंटेंस दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस बनाएं। मैम ये सेंटेंस का मीन उर्दू में क्या बनता है? आई डू नॉट बिलीव द अकाउंटेबल। अकाउंट होता है कोई भी बयान देना, जो उसने बयान दिया उस पे किसी, मुझे यकीन नहीं है। दूसरा सेंटेंस बनाएं, इस एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करके दो सेंटेंसेस बनाएं। इन वर्ब, इन हाइलाइटेड वर्ड्स को छोड़ दें, अगर आपको ये कंफ्यूज करें ना इनको छोड़ दें। इस सिंपल से सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस को आपने दो में कन्वर्ट करना है। मैम उस वक्त था, ही वाज अनएक्सेप्टेड व्हेन ही एंटर्ड द रूम। एवरीवन सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड एट होम। नो वन रीच्ड होम अनएक्सपेक्टेड when he arrived in room, in the room. Okay. He was Ab dekhe and everyone considers him to be trustworthy. करें इसको दो सेंटेंसेस में लेके जाएं। I'm trustworthy mean इस पे भरोसा किया जा सकता है, worthy to be trusted। एक सेंटेंस हुआ वो एक ही है। मैम तुक्का मारना, मैम समय एवरीवन कंसीडर्स हिम जस्ट मैम ऑल द पीपल नो ही वाज बिलीवेबल पर्सन। ऑल यार ये भी चले देखते हैं। ठीक है। No. That he was believable person. Was. Believable person. He was believable person. ठहरे। All the people. No, मैम लिखना है। All the people know that he is a trustworthy man. Believable man नहीं लिख सकते मैम। Believable trust
दो बार भाग गए ना, इसका मतलब दो लॉसेस आ गई आपकी। फिर देखें, he confessed his guilt. Admitted that he was at fault. Good. He admitted that he was at fault. फिर देखें, I predict a change in the weather. I predict that the weather will इस तरह करके बनाए। I predict, predict होता है patient को ही करना। That the weather is going to be changed. Yeah. हाँ, वेदर बिल्डिंग। अब समझ आई क्या हम इसमें क्या, आप एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे थे दो, बना तो हम एक ही सेंटेंस रहे थे लेकिन उसमें हम दो वर्ब लेके आ रहे थे, एक वर्ब से दो वर्ब बना रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? अब कट रही है और बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। क्लियर हो गया? हम एक क्लॉज से दो बन रहे थे, ठीक है? और ये चीज आपने दिल में रखनी है कि वो क्लॉज कहीं भी आ सकती है, जहां जहां नाउन आ सकते हैं वहीं आपकी नाउन क्लॉज भी आ सकती है। इसलिए अगर आपको सिंपल सेंटेंस दे और किसको करने और दो फिर आपने दे उसको वही सेंस कर सकती है, जैसे हमने अभी थोड़ी सी एडजेक्टिव क्लॉज, इजी एज नाउन क्लॉज, ये तो बहुत इजी और आप आसानी से इसको देख भी लेंगे। करें पहले स्लाइड करेगा एडजेक्टिव क्लॉज बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, विच then describe such as that who, the word at who gets when which and which pronoun relative forms se ye clause mostly hoti hai. Dekhiye iski practice kare to ye kitna easy hai. Chocolate may which many people adore is fattening. अब ये विच जो है वो किसको कॉल कर रहा है, क्या ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है या चॉकलेट को क्वालिफाई कर रहा है? रूल को कर रहा है या पीपल को? पीपल। देखिए, आई कैन रिमेम्बर द टाइम व्हेन द व्हेन सेल फोन्स डिडंट एग्जिस्ट। Time को explain कर रहा है, ठीक है? Charlie has a friend whose daughter lives in China. ये मैम, daughter lives in China. Friend Charlie, या friend को? Friend Charlie, या friend? Friend को, ठीक है? अब ये देखिए noun के बारे में बता रहे हैं ना। मैम friend को, friend को, ठीक है? मैम who? Charlie has no ma'am, उसको friend को कहा। Whose daughter has a friend? Whose daughter? दोस्त है जिसकी बेटी, दोस्त की friend की बेटी की बात हो रही है। friend की बेटी की बात हो रही है। फिर अगला देखिए, the wine that winters produce is Tuscany is not cheap. The reason why Sandhya went to the law school is not is that she didn't want to be a doctor. School? Class कौन सी है? Law school. मैम ये that she did not want to be. That और ये why वाली कौन सी है? Why वाली? The reason why Sandhya went to the law school, ये कौन सी क्लॉज है फिर?
इस सेंटेंस में कितनी नाउन तो ऐड हो गई है मैम, ये नाउन टू टू मैम, मैम दो है ना इस पूरे सेंटेंस में, तो पहले जो है वो नाउन वाली, पहले वर्ब्स को काउंट करें, दूसरी डैड वाली। अच्छा तो फिर ये इस क्या है, स्कूल के बाद भी इज आ रहा है ना, तो ये भी वर्ब है, तो ये क्या है, द रीजन व्हाई सारा वेंट टू द लास्ट स्कूल इज, इसका मतलब अगर दरमियान में इस सेंटेंस का वर्ब है जो सब्जेक्ट देखें, द रीजन इज दैट शी डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, अब द रीजन एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक पूरी क्लॉज आ रही है, फिर उसका वर्ब आ रहा है इज, और इसके बाद आगे फिर इसका मतलब कि इस सेंटेंस में तीन क्लॉजेज हैं। अब हम आगे ये वाली चीज पढ़ेंगे कि आपके सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं। अब हमने नेक्स्ट ये चीजें पढ़नी, द रीजन वाई सांद्रा वेंट टू द लास्ट स्कूल इज दैट शी डिडंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इसका मतलब दैट शी डिडंट किस किस सब, जो है वो नाउन को एक्सप्लेन कर लिया, ये वाली क्लॉज किस नाम को एक्सप्लेन, सांद्रा को मैम करती है, ये सांद्रा को करी है या रीजन को करी है, रीजन को रीजन को एक्सप्लेन करिए ना, कोई रीजन को के बारे में बताया जा रहा है, द रीजन इज दैट शी डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, आपकी ये जो है ना वो एक बार फिर बता दें कौन क्लासेस कैसे हैं इसमें, देखिए द रीजन इज, ठीक है, ये द रीजन इसका सब्जेक्ट है, रीजन का जो वर्ब है वो इज है, इज है, और उसके बाद दैट जो है वो ऑब्जेक्ट पे एक पूरी क्लॉज आ रही है, दैट शी डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, जो दरमियान वाली क्लॉज है व्हाई सांद्रा वेंट टू द लॉ कॉलेज लॉ स्कूल, तो ये आपकी एक नाउन क्लॉज है, ये किसी भी जो है वो सब्जेक्ट को या किसी भी नाउन को जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रही है, एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रही है, अलग से मीनिंग दे रही है, अपना एक मीनिंग दे रही है, आपके नाउन क्लॉज है, किसी भी प्रीवियस नाउन को जो है वो रेफर नहीं कर रही, इसलिए हमने इसको कहा है कि ये हमारी नाउन क्लॉज है, जो आगे आ रही है ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट शी डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, क्लियर यहां तक, जी मैम, अच्छा चलिए हमारा सेशन भी खत्म हो गया, मैं आपके एक अटेंडेंस ले रही हैं आप जरियाब या जी आर अटेंडेंस ले रहे हैं मैम, मैंने भी जॉइन किया तो दोबारा अटेंडर से लास्ट रहता था, हम ये भी कर ले आज, चले रीड करें इसको मैम, एडजेक्टिव क्लॉज बस हो गया, क्या कह रहे हो मैम, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया बस, हाँ बस वो इजी है, वो सिंपल है, उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट जो है ना कंबाइंड क्लॉजेस की प्रैक्टिस करेंगे अगली स्लाइड्स में, चले करें स्पीड करें इसको मैम, मैं करूं, करें, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्बल क्लॉज आर डिपेंडेंट क्लॉज क्लॉजेस दैट फंक्शन एज एडवर्ब्स, सिंस दे आर डिपेंडेंट क्लॉजेस दे मस्ट हैव अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू देम टू कनेक्ट देम टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, when, after, when, until, soon, before, once, while, as soon as, whatever. Adverb की कहानी बड़ी थी, आपको याद होगा कि adverb of time, adverb of place, manner, ठीक है? ये कहा था कि इसकी types में आ जाते हैं। अब ये कुछ words हैं जो when का मतलब adverb of time, how, manner, why, reason और where, place. ठीक है? ये adverb के कुछ अब ये चीजें आपको कौन कौन सी कंजंक्शन के थ्रू पता चलेगा वो ये कंजंक्शन हैं, जैसे आफ्टर है, व्हेन है, अंटिल, सून, बिफोर, ये जब ये कंजंक्शन आ रही होंगी तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब, ये जो है वो एडवर्ब क्लॉज आ रही है और वो एक कंजंक्शन से शुरू हो रही है जो ये है, और अगर ये इनमें से कोई कंजंक्शन आ रही है तो इसका मतलब है वो एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम पे है, ठीक है, हाउ के साथ आ रही है, इफ, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, अनलेस, इवन, इफ, अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एडवर्ब ऑफ रीजन है, सॉरी मैनर है, वाई आ रहा है, अगर वाई का मीनिंग दे रहा है एडवर्ब ऑफ जो है वो रीजन है तो फिर बिकॉज, एज, सिंस, सो, इन ऑर्डर, दैट, नाउ, दैट, एज मच एज, फिर ये कंजंक्शन आएंगी, अगर वेयर का मीनिंग में आ रहा है तो फिर वेयर एवर, वेयर, फिर इस सेंस में ये मीनिंग देंगी,
मैम हाउ मैम मैनर होगा या फ्रीक्वेंसी होगा? सॉरी फिलहाल नहीं मुझे आवाज आ रही है। मैम हाउ मैम फ्रीक्वेंसी होगा या मैनर होगा? हाउ मैनर पे भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। हाउ मेनी टाइम्स? व्हाई मैम? फिर व्हाई रीजन के लिए, रीजन क्यों, क्यों के मीनिंग में आ रहा है मैम। एडवर्ब बस रीजन तो कोई बड़ा नहीं है। एडवर्ब ऑफ रीजन मैम हमने कोई पढ़ा नहीं है, फिर ये रीजन कैसे? सर्टेनिटी होती है जिसमें हम सर्टेनिटी लेवल को देखते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द वर्ब वाज ऑलमोस्ट डन, ये ऑलमोस्ट जो है वो सर्टेनिटी। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर्टेनिटी के लेवल का जिसमें बात आ जाती है ना वो उस पे बात आती है, उसमें कहते हैं ऑलमोस्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। क्वाइट आ जाता है, जब ये आ जाते हैं आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, फिर ये अनसर्टेनिटी लेवल को चेक करते हैं। शायद मैं इसका नाम जो है वो आपसे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सर्टेनिटी लेवल पे आ जाता है कि आपकी जो आप वर्ब यूज करें वो सर्टेनिटी लेवल कहाँ तक है, श्योरिटी के लेवल पे है या वो इन बिटवीन है। यू आर नॉट श्योर, आप क्वाइट का वर्ड, अलमोस्ट का, अटमोस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर उससे आपको अनसर्टेनिटी की फीलिंग भी दे रहे हैं साथ वर्ब के साथ, तो इसलिए उसके साथ यूज करते हैं। चलिए इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखें कॉज की, रीजन की, व्हाई का जिसमें मीनिंग आ रहा है। दीज एडवर्ब क्लॉजेस आंसर द क्वेश्चन व्हाई शी पास्ड द कोर्स बिकॉज शी वर्कड हार्ड, सिंस ही हैज लॉन्ग हेयर ही वेयर्स अ पोनीटेल, ठीक है। व्हाई की सेंस में ये मीनिंग दे रहे हैं। फिर आपने इनकी जो है ना वो कंजंक्शंस को जहन में रख रहे हैं कि कंजंक्शन कौन सी साथ आ रही है, फिर कंजंक्शन के हवाले से आप जो है वो बता सकेंगे। अब सिंस जहाँ भी आ रहा है तो टाइम के साथ आता है, ठीक है। सिंस जहाँ भी आता है वो रीजन के साथ आता है, ठीक है। सिंस जहाँ भी आता है वो किसी चीज़ के रेफरेंस के साथ आ रहा होता है कि जब से ये है तब से ऐसे। फिर देखें प्लेस के बारे में बात करेंगे तो फिर देखिए वेयर एवर, जैसे उसने दो बताए कि प्लेस के बारे में होगा तो वो होगा दो जंक्शन होंगी, वेयर वेयर एवर हो गया और वेयर हो गया। वेयर एवर देयर इज म्यूजिक पीपल विल डांस। फिर यू कैन ड्रॉप बाय फॉर अ विजिट, यू कैन ड्रॉप बाय फॉर अ विजिट वेयर वी आर स्टेइंग फॉर द समर। आपने इनकी कंजंक्शन को जहन में रखना है, उसे आप फौरन फिर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर देखें अगर टाइम के बारे में, व्हेन के मीनिंग में आ रहे हैं आफ्टर, आफ्टर द कोर्स आर डन वी विल ईट सम राइस आइसक्रीम। फिर देखें व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट शी हैज टू लीव, व्हेन और आफ्टर जब यूज हो रहे हैं इसका मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर देखें एडवर्ब ऑफ क्लॉजेस ऑफ पर्पस जिसे वाई के सेंस में आ रहा है, सो दैट ही वुडंट, he took off his shoes, so that reason ki sense mein hai, purpose ki sense mein hai, so that he wouldn't ruin the carpet he took off his shoes, he ate vegetables in order that he could stay healthy। yahan tak jo cheez samajh na aayi ho mam, ye last wala manner mein aa raha hai। फिर देखें कंडीशन जो क्लॉजेस कंडीशन को शो करती हैं हाउ सेंस में, इफ यू सेव सम मनी यू कैन बाय अ न्यू गेम अनलेस यू हरी। अब ये अनलेस ऐसा है जो आपको कंडीशन भी यानी कंडीशनल भी आ जाता है, लेकिन ये साथ साथ टाइम के बारे में भी आ जाता है। अनलेस यू हरी यू विल बी लेट फॉर स्कूल, ठीक है। अब कुछ इमेजेस हैं ये जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। आपने इनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लॉज कौन सी है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये दो आपने सॉल्व करने। मैम अभी करने हैं ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है।